अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट्स। ये एक बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। ये जो रिजिड पेमेंट्स हैं, ये डिजाइन करने के तरीके हमारे पास तीन हैं। क्या क्या? पहला तरीका, FAA ने हमें कुछ चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें किसने चार्ट्स प्रोवाइड किए थे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, जो हमने चार्ट एनालिसिस डेप्थ में देखी थी वैसे। दूसरा तरीका, इसमें हमें वेस्टरगार्ड ने कुछ इक्वेशंस दी हैं, वेस्टरगार्ड ने हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं जिससे हमें स्ट्रेसेस निकल कर आते हैं और उनसे हम फिर डिसाइड करते हैं हमारा पेमेंट कैसा होना चाहिए। और तीसरा एनालिसिस जो है दैट इज PCA मेथड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब हम FAA मेथड की बात करते हैं, जिस तरह हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में देखा कि हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में FAA ने कुछ चार्ट्स दिए थे जिसमें हमें अपना CBR वैल्यू पता होनी चाहिए थी, अपना ग्रॉस वेट ऑफ एयरक्राफ्ट पता होनी चाहिए थी, डिपार्चर पता होना चाहिए था, तो हमें क्या निकल के आता था, थिकनेस ऑफ द पेमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे ग्राफ्स वहां कुछ ऐसे बनते थे, ग्राफ लाइंस कुछ ऐसे बनती थी, है ना। इफ यू रिमेम्बर, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी जो थिकनेस है बिल्कुल उसी तरह, यहां पर भी FAA के पास जो चार्ट्स हैं उससे हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, उससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि सरफेस, क्योंकि इसमें हमारे पास सब बेस, बेस कोर्स वो सारी चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक तो सब ग्रेड है, एक तो हमारे पास सबग्रेड है और हमारे पास सरफेस है। तो क्या हम कर सकते हैं FAA के उन चार्ट्स की मदद से, हम सरफेस और सबग्रेड की जो थिकनेसेस हैं वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली बाय रेफरिंग टू दीज चार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा FAA के ग्राफ्स जो हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद आ गई वेस्टरगार्ड की इक्वेशंस। ये चीज देख लीजिए, जो हमारा ये रिजिड पेमेंट होता है, व्हाट इज इट बेसिकली, ये कॉन्क्रीट होता है, या तो ये RCC होगा दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, या तो ये प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होगा, या तो ये प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कॉन्क्रीट होगा, ठीक है ना, मीन्स इट इज कॉन्क्रीट। तो ये जो हमारा रिजिड पेमेंट है, इट विल ट्राई टू नॉट गो अंडर एनी सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन। एक दो reasons इसके होते हैं, दो reasons हमारे पास होते हैं, हमारी rigid payment के पास दो reasons होते हैं deflection ना होने के, okay? So ये deflection में ही नहीं जाता है due to two reasons. Number one reason is due to the subgrade reaction. क्योंकि सबग्रेड है, ये कुछ रिएक्शन, कुछ फोर्स इसको अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारा जो पेमेंट है ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। और दूसरी चीज जो है जो प्रिवेंट करती है इसकी डिफ्लेक्शन को, दैट इज द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है कॉन्क्रीट, उसमें अपनी इतनी स्टिफनेस होती है कि वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। तो वेस्टरगार्ड ने क्या किया, वेस्टरगार्ड ने बोला दैट सिंस दिस कॉन्क्रीट शो स्टिफनेस, इट मीन्स इट रेजिस्ट। मैंने आपको पिछले के वीडियो में भी बोला था, जिस चीज की आपकी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी तो उस चीज का स्ट्रेस डेफिनेटली वहां पर पड़ेगा। अगर आपका कॉन्क्रीट किसी चीज के लिए स्टिफ है, इट मींस उस चीज का स्ट्रेस उस कॉन्क्रीट पे पड़ जाएगा। अब वेस्टरगार्ड ने क्या बोला, वेस्टरगार्ड ने अब बोले तीन तरह के स्ट्रेसेस हमारे इस रिजिड पेमेंट पे आ जाते हैं। क्या लोडिंग्स पड़ जाती है वो देख लीजिए आप डायरेक्टली बुक से। सबसे पहले कॉर्नर लोडिंग आ जाती है, वी डिनोटेड बाय SC, देन एज लोडिंग दैट इज SE, देन इंटीरियर लोडिंग दैट इज SE। मतलब अगर हमारा रिजिड पेमेंट अगर प्लान में हम देख रहे हैं ऐसा है तो कॉर्नर लोडिंग आ जाती है, ठीक है, कॉर्नर लोडिंग आ जाती है, देन वी हैव एज लोडिंग, फिर एज लोडिंग आ जाती है, एंड देन इंटीरियर लोडिंग, ठीक है। तो ये तीन लोडिंग की इक्वेशन हमें वेस्टरगार्ड ने दी। तो ये सिंपल इक्वेशन है, कॉर्नर लोडिंग की इक्वेशन है 3P/D² इंटू 1 - √2/L होल रेज टू द पावर 0.6 ब्रैकेट क्लोज। एज लोडिंग के लिए SE इज इक्वल टू 0.572P/D² 4 log(10L/B) प्लस 0.359, और इंटीरियर लोडिंग के लिए 0.316P/D² 4 log(10L/B) प्लस 1.069, ठीक है। अब इन अबाव इक्वेशंस में हम इन सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनका हम देखेंगे मतलब क्या है। सबसे पहले SC, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट कॉर्नर इन kg/cm², अंडरस्टूड। SE इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट एज इन kg/cm², ओके। SI इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट इंटीरियर इन kg/cm², फाइन। देन वी हैव, व्हाट इज दिस P, जो यहां पर हमें P दिख रहा है, दिस P, दिस इज व्हील लोड इन kgs, ओके।
वॉट इज दिस डी, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में डी है, वॉट इज दिस, दिस इज द स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो आपकी जो रिजिड स्लैब है उसकी थिकनेस इन सेंटीमीटर्स. देन ए, वॉट इज दिस ए, दिस इज द रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंटीमीटर्स. फाइन, दिस एल इज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर्स. ये सारी जो एंटिटीज है हमने हाईवे इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में पढ़ी है. ठीक है, देन वॉट इज दिस बी, दिस इज द रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इन सेंटीमीटर्स. और ये हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 1.6 a² प्लस डी स्क्वायर माइनस 0.675 d. और एक चीज आपको यहां पर ये याद रखनी है दैट अगर आपका ये ए, ये रेडियस ऑफ व्हील जो है आपका, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.724 d, वेयर d इज द स्लैब थिकनेस. ठीक है, अगर आपका ए ज्यादा है देन 1.724 d, देन द वैल्यू ऑफ बी इज टू बी टेकन एज इक्वल टू ए. इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बोलती हूं. ये देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो ए है दैट इज रेडियस ऑफ द व्हील डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका रेडियस ऑफ द व्हील है ये 20 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और जो आपका डी है दैट इज स्लैब थिकनेस, जो आपकी ये स्लैब है इसकी थिकनेस जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको ये चीज इवेल्युएट करनी है, 1.724 d दैट इज इक्वल टू 1.724 × 15 सेंटीमीटर्स दैट इज इक्वल टू 25.86 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू चेक कि जो ये आपका ए है, इज इट ग्रेटर देन 1.724 d और नॉट. यहां पर हमें सीधे दिख रहा है कि जो हमारा ए है दैट इज 20 एंड 1.74 d जो है दैट इज 25.86 सेंटीमीटर्स. हाँ, तो हमारा यहां पर दिख रहा है हमें कि 1.724 d इज 25.86 एंड ए इज 20. इट मीन्स 1.724 d जो है हमारा, इट इज ग्रेटर देन ए. 1.724 d जो है इट इज ग्रेटर देन ए. इसका मतलब जब आपको b निकालना है दैट इज रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.6 a² प्लस d स्क्वायर माइनस 0.675 d. ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसा सीन होता हमारा कि हमारा ए ग्रेटर देन 1.724 d आ जाता, उस टाइम आपको बी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी थी. उस टाइम आपका जो बी है वो ए के बराबर ही होता. तो आपको याद रखना है अगर ए ग्रेटर देन आ जाएगा 1.724 d, देन योर बी इज इक्वल टू ए. ठीक है, ये आ गई थी वेस्टरगार्ड की इक्वेशन, वेस्टरगार्ड का एनालिसिस. इसके बाद हम देखते हैं पीसीए मेथड क्या है. पीसीए मेथड जो है ये इन्फ्लुएंस चार्ट्स हैं बेसिकली, जो डॉक्टर पिकेट ने डिजाइन किए थे, डेवलप किए थे थ्रू पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशन पीसीए ऑफ यूएसए. किन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके डॉक्टर, ये जो वेस्टरगार्ड की इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके कुछ चार्ट्स बनाए गए थे, इन्फ्लुएंस चार्ट्स बनाए गए थे डॉक्टर पिकेट ने जो बनाए थे. ठीक है, इन चार्ट्स को यूज करने से क्या होता है, हमारी डिजाइन कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इजी हो जाती है. ठीक है, तो इसमें हमें जब अलोवेबल स्ट्रेस निकालना होता है, जब इन चार्ट्स पिकेट के चार्ट्स पीसीए चार्ट्स से जब हमें अलोवेबल स्ट्रेस निकालना होगा, अलोवेबल स्ट्रेस निकालना होगा, तो पीसीए मेथड ने हमें रेकमेंड किया है कि आप फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी, आप फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी जो है वो इंक्लूड कर दिया कीजिए. ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी क्यों हम अप्लाई, क्यों हम यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक फैक्ट ये है कि जो हमारा कॉन्क्रीट है इट अंडरगोज फटीग, इसमें फटीग आ जाता है हमारे कॉन्क्रीट में, जिस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें फेलियर्स आने शुरू हो जाते हैं. दैट इज वाई उन फेलियर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी एड कर डालते हैं इसमें. ठीक है, तो पीसीए मेथड यही कहता है कि जब आपको इन चार्ट से, जो हमने आपको इन्फ्लुएंस चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, उनमें जब आपको अलोएबल स्ट्रेस ढूंढना हो तो आप फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी जो है वो इंक्लूड कर लिया कीजिएगा. ठीक है, ठीक है, ये भी आपको पता है दैट एप्रंस में, टैक्सीवेज में और रनवे एंड्स पे मैक्सिमम फटीग आएगा क्योंकि मैक्सिमम एयरक्राफ्ट इनमें पाए जाएंगे. एप्रंस में मैक्सिमम एयरक्राफ्ट्स आएंगे, मैक्सिमम टाइम के लिए एयरक्राफ्ट्स एप्रंस में रहेंगे, मैक्सिमम टाइम के लिए एयरक्राफ्ट्स टैक्सीवेज में रहेंगे, रनवे एंड्स पे रहेंगे. तो जिस मैक्सिमम टाइम में पे आपका रिजिड पेमेंट पे कोई चीज रह रहा है, इसका मतलब आपके कॉन्क्रीट में वहां उस पोर्शन पे ज्यादा फटीग आएगा. रनवे का जो सेंटर पोर्शन है वहां पे तो एयरक्राफ्ट अराइव करेगा और टेक ऑफ करेगा, अराइव करेगा और टेक ऑफ करेगा, इट विल नॉट रिमेन देयर. तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रनवे जो है हमारा, वहां पर उतना फटीग नहीं आएगा. दैट इज वाई वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है. ये टेबल हमें रिकमेंड किया है बाई पीसीए. ये कहते हैं जब आप एप्रंस, टैक्सी वेज और रनवे एंड्स के लिए अलोएबल स्ट्रेस का वैल्यू ढूंढना चाहो
अलोएबल स्ट्रेस का वैल्यू ढूंढना चाहो तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से 1.7 से 2 तक कंसिडर कर लीजिए, और जब आप सेंट्रल पोर्शन ऑफ रनवे के लिए निकाल रहे हो अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आप जब आप सेंट्रल पोर्शन ऑफ रनवे के लिए निकाल रहे हो अपना अलोएबल स्ट्रेस, तो वहां पर आप अपना सेफ्टी फैक्टर 1.4 से लेके 1.7 तक कंसिडर कर लीजिए, ठीक है।